Let's go out and be wild, do it while we can. Hello friends and welcome to our channel Tech Fever. आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग बोट रॉकर्स 510 की बोट रॉकर्स 510 जो कि बजट रेंज में बहुत ही अच्छे हेडफोन्स हैं आपके गेमिंग पर्पसेस के लिए. और अगर आप एक म्यूज़िक लवर हैं और आपको हाई क्वालिटी बेस पसंद है तो इस रेंज में इनसे अच्छा हेडफोन आपको कोई भी नहीं मिलेगा. ये है वो हेडफोन्स जिनकी आज हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग. इनका प्राइस भी बताऊंगा फुल स्पेसिफिकेशंस के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये है बोट रॉकर्स 510 का बॉक्स जिसमें कि आगे बोट की ब्रांडिंग दी हुई है और उसकी टैगलाइन प्लग इनटू निर्वाना. यहाँ पे उसका एक मेन हाईलाइट है एक्स्ट्रा पावरफुल बेस. और देखिए उसकी इमेज दी हुई है हेडफोन की. बाकी इस साइड में एक ये हेडफोन का लुक एट अ ग्लांस मिल जाता है. यहाँ पे पीछे साइड हेडफोन्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन हैं जैसे कि 10 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक मिलता है 2 घंटे के चार्जिंग टाइम के साथ और 180 घंटे का स्टैंड बाय टाइम है इसमें. बाकी यहाँ पे मेंशन है प्ले म्यूजिक वायरलेसली और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसकी MRP जो है वो है 3990 बट ये आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या और भी किसी ऑनलाइन साइट के थ्रू ये इस रेट में आपको मिल जाएगा. सो इसको रखते हैं. अब इसको हम लोग ओपन करेंगे. जैसे ही ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर रखा मिल जाता है ये हेडफोन जिसमें कि ऊपर साइड बोट की ब्रांडिंग दी हुई है और ये इसका कलर है नेब्यूला ब्लू. ये है वो हेडफोन जिसमें कि ये इसका लेफ्ट साइड है L से जिसको डिनोट किया है और यहाँ पे है बोट का न्यू लोगो. और अगर राइट साइड देखें तो इधर ये राइट साइड मेंशन है बोट का लोगो और यहाँ पे कुछ बेसिक से फंक्शंस है. इधर ये LED लाइट इंडिकेटर है और इसी की इस साइड में यहाँ पे एक ये मल्टी फंक्शन बटन दी हुई है और इन सब के यूजर्स मैं आपको बताऊंगा. बाकी अगर इधर देखें तो यहाँ पे ये कुशन दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और कंफर्ट का पूरा ध्यान दिया गया है और उसके साथ एक हेड के लिए कुशन है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. इसको अभी रखते हैं साइड में. और देखते हैं और अगर बॉक्स के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ केबल्स मिल जाती हैं जिसमें कि सबसे पहले ये केबल है जो कि अगर एक ऑक्स केबल है जिसको कि आप हेडफोन से कनेक्ट करेंगे एक पॉइंट दूसरा अपने फ़ोन से. इसका वैसे तो इसका कोई यूज़ नहीं है बट यही यूज़ है कि अगर इन बाय चांस कभी भी आपके हेडफोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप इसको यूज़ करके हेडफोन्स को नॉन स्टॉप यूज़ कर पाएंगे. इसको रखते हैं साइड में. तो दूसरी केबल जो मिलती है वो है एक यूएसबी नॉर्मल टाइप केबल जिसकी हेल्प से आप हेडफोन्स को चार्ज कर पाएंगे. अगर चार्जिंग की बात करें तो एक ये यूएसबी केबल दी हुई है जिसको कि आप एडाप्टर से कनेक्ट करेंगे और जो दूसरी साइड है उसको आप इस साइड पे कनेक्ट कर लेंगे. ये जो है पीछे साइड यूएसबी का इधर दिया हुआ है और कुछ इस तरह से इसमें कनेक्ट कर हो जाएगी. बाकी अगर ऑक्स केबल की बात करें तो उसका इसी के नीचे साइड यहाँ पे दिया हुआ है ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाती है और दूसरा जो है ये आप अपने मोबाइल के हेडफोन जैक में कनेक्ट कर लेंगे. इन सबको रखते हैं साइड में. और अगर अंदर बात करें तो आपको कुछ बेसिक से पेपर वर्क मिल जाते हैं जिसमें कि एक तो ये है जिसमें कि बोट के अदर प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है इसमें. और ये यहाँ पे वारंटी कार्ड दिया है जिसमें कि मेंशन है 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी. यहाँ पे बोट का यही बेसिक सा पेपर वर्क. ये कुछ बोट का ये भी इसका मैनुअल है जिसमें कि बताया गया है कि किस तरह से आप हेडफोन को यूज़ कर सकते हैं सेटअप सब कुछ बताया गया है. तो अब आप आते हैं अपने मेन हेडफोन्स पे. इनको ऑन करने के लिए जो ये मल्टी फंक्शन बटन है सबसे पहले इसको प्रेस करे रहेंगे और एक बीप साउंड आएगी जो कि इंडिकेट करेगी कि ये ऑन हो चुके हैं और यहाँ पे ब्लू कलर का इंडिकेटर भी ये जल रहा है. तो ये ऑन हो चुका है. उसके बाद हम लोग इसको अपने फ़ोन में सर्च करेंगे.
सो इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली से अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर देंगे और फिर उसमें ये सर्च करके बता देगा बोट रॉकर्स 510 और ये कनेक्ट हो रहा है और ये देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो भी आप जहाँ से भी म्यूज़िक वगैरह जो भी प्ले करेंगे म्यूज़िक प्ले होने लगेगा। सो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पहली बार इनको यूज़ करें तो जो ये बटन है इनको आपको काफ़ी देर तक लॉन्ग प्रेस कर रहना है। यहाँ पे रेड और ब्लू कलर की अल्टरनेट लाइट्स चलेंगी जो कि इंडिकेट करेगा कि ये पेयरिंग मोड में है और उसके बाद ही ये कनेक्ट हो पाएगा। और इसी बटन से अगर कोई कॉल आती है आप कॉल भी इससे पिकअप कर पाएंगे एक प्रेस पे, फिर प्रेस करेंगे कॉल एंड हो जाएगी। उसके साथ साथ आप अगर आपका म्यूज़िक को प्ले और पॉज भी कर सकते हैं इस बटन से। और इधर ये साइड में एडजस्टेबल हैं ये हेडफोन्स, इनको इस तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने साइज के हिसाब से। सो आई होप कि ये हेडफोन्स की अनबॉक्सिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये हेडफोन्स आपको पसंद आते हैं इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इनकी इनके कलर्स की बात करें तो ये 4 कलर्स में आते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप एक नया हेडफोन लेने की सोच रहे हैं अपने गेमिंग पर्पसेस या फिर हाई क्वालिटी बेस वाले सॉन्ग्स को सुनने के लिए या फिर इनफैक्ट नॉर्मल मेलोडी सॉन्ग्स को भी सुनना है, सो आई होप कि ये हेडफोन्स आपको अच्छे लगे होंगे, उन सारे पर्पसेस को ये हेडफोन सॉल्व कर देंगे। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या क्वेश्चन हैं तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनका ज़रूर से जवाब दूंगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी ही टेक रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।